दुनिया में जो अधिकतर लोग होते हैं वो अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते, और उसका कारण ये नहीं होता कि उन लोगों में वो काबिलियत नहीं होती, उसका कारण ये होता है कि वो लोग अपने सपनों को सच बनाने के लिए एक्चुअल में कोई एक्शन लेते ही नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनके दिमाग में, दिल में आइडियाज आते हैं, सोच आती है, थॉट्स आते हैं कि हमें ये काम करना है, लेकिन कब से करना है? कोई ये तय नहीं करता कि मुझे ये काम अभी से करना है, इसी वक्त से करना है, या उस गुजरे हुए पल से करना है जो बस अभी अभी गुजरा है। मेरे साथ में ये नहीं है, और शायद मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण भी यही है। मुझसे मेरे दोस्त अक्सर सवाल करते हैं, ज़्यादा दोस्त है ही नहीं, दो तीन दोस्त हैं, और वो मुझसे सवाल करते हैं कि मैं जब भी मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता है तो उस पर कैसे तुरंत एक्शन ले लेता हूँ, कैसे मैं उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, और मेरा जवाब एक ही रहता है कि मुझे डर लगता है। फेलियर का डर नहीं लगता, अधिकतर लोग सिर्फ फेलियर के डर की वजह से अपने आइडियाज को सच में बदलने की कोशिश ही नहीं करते, और मुझे फेलियर से जरा सा भी डर नहीं लगता। मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ा फेलियर रह चुका हूँ, मैंने लाइफ में बहुत फेलियर देखे हैं, और मैं अब फेलियर से नहीं डरता, क्योंकि मुझे मालूम है फेलियर सिर्फ आपकी ग्रोथ प्रोसेस का एक हिस्सा है। अगर आप फेल होते हैं तो आप कुछ ना कुछ बेहतर, कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं और आप बेहतर बन करके निकलते हैं। लेकिन ये फेलियर कब होगा? जब आप कोशिश करेंगे, जब आप कोशिश करते हैं, अपना पूरा 100% देते हैं, तो वहाँ से आप कुछ बेहतर बन के निकलते हैं, और जब बेहतर बन करके निकलते हैं तो वो बेहतर आपको सफल बनाता है। हो सकता है उस पर्टिकुलर काम में ना बना पाया हो, कहीं और बनाता है। मैं जब भी फेलियर की बात करता हूँ तो मेरे खुद के फेलियर्स में से एक बहुत बड़ा फेलियर 1 मिनट विजडम है। मैं बार बार कहता हूँ कि वो मेरे सबसे बड़े फेलियर्स में से एक है, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी सक्सेस का कारण भी है, वो मेरे सबसे बड़े सक्सेस के रीजन में से भी एक है। आज मैं मल्टीपल चैनल चलाता हूँ, मल्टीपल यूट्यूब चैनल है मेरे पास में, और आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे ही। लेकिन उन सब का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मैंने नॉन स्टॉप लगभग 500 दिनों तक 1 मिनट विजडम पर एक वीडियो पोस्ट किया। जब मैं उस चैनल पर लगातार इतना काम कर पाया था तो यहाँ पर एक बात भरोसे में आ गई कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा काम कर सकता हूँ, और दिमाग खुल गया, दिमाग ने इस बात की इजाज़त दे दी कि मुझे काम करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बार बार कहता हूँ, मैंने मेरी किताब द न्यू अल्फाबेट फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस में भी एक बार कहा है कि परफेक्शन इज वन ऑफ द बिगेस्ट लाइज, बट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। परफेक्शन दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, लेकिन लगातार बेहतर होते रहना दुनिया का सबसे बड़ा सच है, सबसे पुराना सच है। एंड आई गेट बैक टू यू। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।